पूरे एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा, वैसे तो पहले भी बीजेपी की हवा है। इतने ठंडे व्यक्ति आज तक कोई सीएम नहीं आया, वोटर नहीं बोलता, बोलता है कोल जो खाली है, जन जन के प्रिय है, हर किसी के हृदय में वास करते हैं, ठंडे से ठंडे आदमी है, जाके इतना आदर सम्मान होता है उनका, उनकी बात सुनी जाती है, उनके काम कराए जाते हैं, तो वो क्यों नहीं सीट निकालेंगे? काम करे हुए जी, उसका 56 दिन के अंदर उसने काम का धमाका उठा दिया। हाँ, यहाँ पे अबकी बार देखना पूरा बहुमत सरकार आएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशुल शर्मा, आज मैं जींद में मौजूद हूँ और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर नायब सैनी आने वाले हैं और ये डॉक्टर कृष्ण मिड्डा द्वारा आज ये रैली का आयोजक किया गया। अरे मेरे साथ कुछ बुजुर्ग है, बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ वो नायब सैनी आने वाले हैं, हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं आपसे स्टार्ट करता हूं जी। राम राम जी। हाँ जी 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 साहब, तो आज नायब सैनी आने वाले हैं, कितने क्या उत्साहित हो, क्या कुछ लग रहा है? फुल उत्साहित। हाँ जी, इसका सारा बहुमत है। अच्छा, तो बीजेपी सारे फुल काम करा हुआ है। हाँ। जैसे आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं लोगों का, जो गरीब आदमी है वो जैसे कोई बीमार शीमार हो जाता है वो उनके, अगर यह आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो उनके किले जमीन भी बिक जाती और कांग्रेस पर अभी तक कुछ नहीं बना है। क्या लगता है आपको, नायब सैनी के आने के बाद समीकरण जींद के बदल जाएंगे? जींद के बदल जाएंगे सारा, सब इसे की वोट देंगे। अच्छा। हाँ सब। हाँ जी, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं नायब सैनी के आने के बाद समीकरण बदल जाएंगे जींद के, क्या लगता है? बिल्कुल, एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा, वैसे तो पहले भी बीजेपी की हवा है, कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो मतलब कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी, जैसे आयुष्मान कार्ड है, गरीबों को अनाज मिलता है और जो बच्चे लगते हैं बिना खर्चे। मतलब आप लोग बीजेपी के काम से खुश हो? बिल्कुल, हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, बिल्कुल खुश हैं। हाँ बिल्कुल। गांव का क्या, कौन से गांव से आप? रूपगढ़ गांव से। रूपगढ़ गांव का क्या कुछ रुझान आपकी बार? रूपगढ़ गांव में जी 60% फुल बीजेपी का, डॉक्टर कृष्ण मिड्डे की जीत है। हाँ, पिछले इलेक्शन से ज्यादा वोट आई। पिछले इलेक्शन में ज्यादा जीता? हाँ पिछले 75% अजीब का है। मनु कांग्रेस वाले तो दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, उनकी 25-15 सीट है जी, वो भी जब 15 सीट आएगी पर कांग्रेस की, बीजेपी की 75% का जी। हाँ जी भाई साहब, ये तो 75% बता रहे बीजेपी को, क्या लगता है क्या कुछ रहेगा? बढ़िया जी, जमा एक नंबर का माहौल है जी, सारा पूरे वोट है जी। ठीक है जी, हाँ गांव कौन सा अपना? दलमाला जी। दलमाला तो बड़ा गांव है, क्या कुछ लाग है? बढ़िया वोट खूब है जी। हाँ जी, जमा जीत जगह जमा फुल जी पूरा बहुत। अभी एक बार खड़े होना जी आप। अच्छा, खड़े होले। हाँ जी प्रधान जी, क्या कुछ लग रहा है आपकी बार बीजेपी का, क्या कुछ रहेगा जींद में? ऐसा है जी, ये फालतू बकवास करके तो पहले इन्होंने काम डोब दिया था, इन्होंने ये बीजेपी वाले, क्यों अभी क्या पता क्या होगा, बेफजूल की बकवास करने में बड़ी एनर्जी होती है। जैसे 405 को लगाया, 405 का नारा क्या रहा, इधर लगाया 10 की 10 क्या रहा, सोच समझ के बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ पूरे इस समाज को जो आए हुए हैं, नायब जी का बड़ा धन्यवाद, जो नायब जी ने इनको दिया है शायद कोई नहीं दे सकता, पता बीजेपी वालों को, बीजेपी वाले ने नायब को दिया है, बहुत साफ सुथरी छवि के हैं नायब साहब। इतने ठंडे व्यक्ति आज तक कोई सीएम नहीं आया, जितनी मेहनत करने वाले नायब साहब हैं आज तक कोई भी पैदा नहीं होया सीएम, उसके बाद जो कह देता है सबकी सुनता है। अब ये सारी बात को देख के चलो, जितनी जान इन्होंने गाली है नायब सिंह ने आज तक कोई सीएम नहीं डाल सके, तो मैं तो बीजेपी वाले को भी धन्यवाद करता हूँ, बढ़िया व्यक्ति को इन्होंने बनाया, धन्यवाद करता हूँ नायब सिंह जी का भी। या क्या आपको लगता है अगली बार नायब सैनी सीएम बन जाए? ये तो इनका मामला, ऊपर का हम नहीं जानते, वो किसी को पहले तो अपना संघर्ष करो, इसको लियाओ, बनना ना बनाने की बात हम झूठ नहीं बोलते। जींद के बारे में चलो पूछता हूँ, जींद से तो आप हो, जींद का क्या कुछ लगता है? जींद का देख भाई बात सुन, अभी तक तो अंदेशा है, बराबर की टक्कर है, इसमें कई फाड़ हो चुकी है, जैसे गिल साहब है, अब थोड़ा सा इनका ज़्यादा जोर है दोनों का, ये इनके जिसके भाग्य में राज लिखा उसको मिटा नहीं सकता, कोशिश है प्रयास है। जिस हिसाब से आप लोगों से मिलते हैं, आप आपके सर्वे के हिसाब से बता दोगे क्या कुछ लगता है? हमें तो यस लगता है, लेकिन हमारी हाँ तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो अब सब बताता नहीं वोटर, कई साल से ऐसा रुझान है, वोटर नहीं बोलता, बोलता है कोल जो खाली है,
जिनको काम नहीं, बस एक दूसरे की लड़ाई दंगे में सहमत है। जो असली वोटर काम करने वाले के पास समय नहीं है, वो समय के साथ तुलेगा, समय के साथ बोलेगा, समय के साथ वोट डाल लेगा, क्योंकि काम वाले को तो काम चाहिए। अरे भाई, खाली वाले को टाइम चाहिए। जी सा लो और अपना खाओ पियो मौज करो भाई। हमारे बीच में, हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है आपको अब की बार जींद का क्या कुछ रहेगा? जींद का भी तो मुकाबला ही चल रहा है भाई। मुकाबला भाई, हाँ मुकाबला तगड़ा है, तगड़ा है। क्या लगता है मिड्डा साहब निकाल जाएंगे सीट को? उम्मीद तो है भाई, हमारे बड़े भाई ये बता रहे हैं कि उम्मीद है मिड्डा साहब निकाल जाएंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल निकाल के जाएंगे, बिल्कुल जी, क्लियर कट है, क्लियर कट है। मिड्डा साहब सीट निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। जन जन के प्रिय है, हर किसी के हृदय में वास करते हैं, ठंडे से ठंडे आदमी है। इन्होंने जितने विकास किया, जितना काम किया है, और किसी कैंडिडेट के बस की बात ही नहीं है। पहले इनके पिताजी थे यहाँ से विधायक, अब ये बने हैं, क्या फर्क लगता है या अच्छे काम किए? कौन कौन से बड़े काम है जो जींद में किए? इन्होंने डॉक्टर साहब ने मतलब मेडिकल बनवाया है, भाखड़ा नहर का पानी लेके आ रहे हैं, और इनको सारे शहर के अंदर देखो आप, इधर भी आप मुंह करके देख लो, नजर घुमा के देख लो, विकास ही विकास कार्य चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इनसे मिलने के लिए कोई मीडियोकर नहीं चाहिए, आम आदमी भी इनको ऐसे मिलते हैं जैसे अपने छोटे बड़े भाई को मिलने जा रहे हैं। जाके इतना आदर सम्मान होता है उनका, उनकी बात सुनी जाती है, उनके काम कराए जाते हैं, तो वो क्यों नहीं सीट निकालेंगे? जनता क्यों नहीं इनका साथ देगी? खुश हो आप लोग इनके काम? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं अंकल जी। हाँ जी, आपको क्या कुछ लगता है अब की बार जींद का क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि जो आप इसे कवरेज कर रहे हैं, और मैं उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को भी इसका श्रेय देना चाहता हूँ जिसने हमारे एक किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और समाज का मान सम्मान बढ़ाया। नायब सैनी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी दिनों से पार्टी के अधिकारी रहे हैं। जिस हिसाब से पीछे लोग बता रहे थे कि नायब सैनी के आने के बाद समीकरण बदल जाएंगे, क्या आपको लगता है जींद? जी हाँ, नायब सैनी के आने के बाद बहुत अच्छा स्थिति में है अभी भाजपा, और एक तरफा लहर चल रही है ये बीजेपी की, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग लगते हैं आज इस रैली में? रैली के अंदर कम से कम 4-5 लाख तो कम से कम आ जाएंगे। हाँ, पूरी भीड़ खचा खच देख लेना, आप मुख्य में मौजूद हो गए। अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट है, प्रोग्राम स्टार्ट होते ही पंडाल भर गया, पंडाल काफी भर जाएगा। जिस हिसाब से आप ये पीछे की भी भीड़ देख सकते हैं, अभी मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। एक भाई साहब हैं। हाँ जी, क्या लगता है जी आपको, क्या लगता है आपकी बार जींद का क्या कुछ रहेगा? जिस हिसाब से प्रोग्राम स्टार्ट होते ही इतनी भीड़ आ गई है, क्या लगता है जब नायब सैनी आ जाएंगे कितनी संख्या में लोग आ जाएंगे? बेकाबू हो जाएगी, बेकाबू हो जाएगी। यहाँ पूरा माहौल बीजेपी की तरफ है। अच्छा। एक तरफा जीत है हमारे विधायक की, कृष्ण लाल मिड्डा जी का। लोग एक बात बता रहे थे कि पहले तो टक्कर थी, लेकिन नायब सैनी के आने के बाद एक तरफा चुनाव हो जाएगा, क्या लगता है? नायब सैनी का आए सुनामी बन गया, पहले आंधी थी, सुनामी हो गया। पूरी मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार बनने को जा रही है हरियाणा में, बन जाएगी सरकार। कितनी सीटें मानते हैं? 55 से 60 सीटें आएंगी। हाँ, गठबंधन करके तो नहीं बनानी पड़ेगी? ना ना ना, गठबंधन कोई चक्कर नहीं, पूरा मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार आएगी। 60 सीटें आएंगी, 60 सीट आएंगी। और जींद की सीट ले पाओगे बीजेपी? हाँ, देखो आप भीड़ को देखो, भीड़ को देखो। कितने लोग लगते हैं आज इस रैली में आ जाएंगे? आप देखो लो कितनी भीड़ है। अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट होते तो पंडाल भर गया है, नायब सैनी के आने के बाद पर ज्यादा हो जाए, कितनी पब्लिक होगी? जगह नहीं है यहाँ, इतनी इतनी जगह नहीं है। क्या लगता है अब की बार जी जींद का क्या कुछ रहेगा? जींद से श्री कृष्ण लाल मिड्डा जी कम से कम 40,000 वोटों से विजयी बनेंगे। क्यों लगता है? क्या जब जो पिछली बार विधायक थे उस समय में काम काज हुए, उनके पहले पिताजी भी विधायक थे यहाँ से, उस समय काम काज हुए हैं? काम काज हुए हैं, पूरे शहर का विकास हुआ है, अब भी काम चालू है, और बगैर खर्ची पर्ची के नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। हरियाणा में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाजपा की आएगी।
हरियाणा में दोबारा नायब सिंह सैनी सीएम बनने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद खुश हो आप लोग? हाँ सभी खुश हैं। हाँ जी प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल 100 का 100 सारा हरियाणा का पलड़ा भारी है, बीजेपी को वोट देंगे, नायब सिंह सैनी को पूरे बहुमत से जितवाएंगे। हाँ क्यों पसंद करते हैं आप लोग नायब सिंह सैनी? पसंद क्यों करते हैं, काम करे हुए जी उसका 56 दिन के अंदर उसने काम का धमाका उठा दिया उसको। कमाल हम देखते को नहीं, हम इंसान हम सब देखते हैं। हाँ। तो खुश हो आप लोग उनके काम का? 100 के 100 खुश। 50 से टपाओगे हम 55-60 सीट आएंगी। वो गठबंधन तो नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। और बोल निर्दलीय में फिरेंगे धक्के? कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं हमारी तो लहर चली हुई है। विपक्ष वाले तो कहते ही है कोई ऐसी बात नहीं है, उनके पास तो सिर्फ झूठी अफवाह है, बिल्कुल 100 की 100। ठीक है जी। और लोग हैं ये बता रहे हैं जी झूठी अफवाह चला रखी है कांग्रेस वालों ने, क्या लगता है आपकी बार जींद में क्या थोड़ी कम है भाई साहब? है ये गलत को नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सुपड़ा साहब है कांग्रेस का, जमा सुपड़ा साहब। कितनी सीट मानो कांग्रेस की? 55। बीजेपी की कांग्रेस का सपड़ा साफ है, कांग्रेस का कुछ नहीं। अरे जींद का के जिस हिसाब से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं 5-5 आई हैं, नहीं लगता आपने? वो अलग चीज है जी, अलग था। हाँ यहाँ पे अभी की बार देखना पूरा बहुमत सरकार आएगी, बीजेपी सरकार पूरा बहुमत सरकार, तो पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे हैं, तो तू क्या कहना चाहोगे? पूरा बहुमत बनेगी भाई। हाँ क्यों बनाओ सरकार? काम में इतने कर रखे हैं, बिना खर्चे मारा भर क्या दो नौकर लाग रहे हैं बता, बिना रुपये। अच्छा अरे कुंडे में और है, बता क्यों करे? ये सरकार ने सका दिया हुआ तो ले ले रुपये ले लेके जब पर्चिया का लकड़ा कर दे और लंबर भी नहीं खड़ा करता। हाँ बस जिस हिसाब से मैं एक बार आपको फिर से यहाँ की भीड़ दिखा देता हूँ, प्रोग्राम अभी स्टार्ट ही हुआ है और ये जो पंडाल है खचाखच भर गया है, लोग बता रहे कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। आपको क्या लगता है कि जींद की जो लोग हैं यहाँ के बता रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आएगी और यहाँ से बीजेपी सीट निकाल पाएगी, क्या लगता है आपको? आपके बारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे से होगी अंकित के साथ मानसून शर्मा, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।